चुनाव आयोग भी जब चुनने लगेगा, चुनाव आयोग जब चुनने लगेगा, और वो भी संविधान और लोकतंत्र को नहीं लेकिन सत्ता के हुक्मरानों को, तो दुर्भाग्य का वो दिवस होगा। और मुझे इसी संदर्भ में ये दो बिंदुएं आपके सामने रखनी है। पहली बात है कि बड़ी अजीबोगरीब चीज हो रही है। जवाब आया कल चुनाव आयोग का, एक झूठी बराबरी, एक फॉल्स इक्विवेलेंस के साथ, और उसमें दो बिंदु कहे गए। एक कहा गया कि सभी को हिदायत है कि कम्युनल ना हो, एक फरमान सा आया। तो मुझे ये प्रश्न उठा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रश्न उठा कि ये किसी को संदेह है कि सांप्रदायिक भाषा, सांप्रदायिक चिन्ह, सांप्रदायिक तुलनात्मक चीजें, सांप्रदायिक वक्तव्य, घटे हुए गटर लेवल के वक्तव्य कहाँ से आ रहे हैं? पिछले 2 महीने से प्रकाशित हो रहे हैं आपके सामने, आप सब जानते हैं। उसके बाद हमारी कंप्लेंट होती है 26 अप्रैल को, और 27 दिन बाद, करीब करीब 1 महीने के बाद, जब चुनाव अंत तो हो रहा है, तब तक माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री का कहीं नाम नहीं आता चुनाव आयोग के दस्तावेज में। और 27-28 दिन बाद ये एक उपदेशवाद वाला वक्तव्य आता है, और मैं पढ़ना चाहता हूं, मजाकिया लगता है मुझे पढ़ने से। दोनों अध्यक्षों को लिखा गया है कि आप अध्यक्ष महोदय अपने स्टार कैंपेनर, डायरेक्ट कोट अनकोट, डायरेक्ट स्टार कैंपेनर्स नॉट टू मेक अटरेंसेस कॉन्ट्री टू दी एमसीसी। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है। मैंने एक कंप्लेंट की आपके विरुद्ध कि आप इतने घिनौने वक्तव्य दे रहे हैं, 27 दिन बाद ये सुनने के लिए की थी कंप्लेंट मैंने। दूसरा, कोट अनकोट, अटरेंसेज ऑफ स्टार कैंपेनर्स क्रिएट पैटर्न्स विच कैन बी डैमेजिंग बियॉन्ड एमसीसी पीरियड अनकोट। ये दुर्भाग्य है, ये मजाकिया है। तो प्रोत्साहित करते हैं कि कल परसों तरसों आप वापस वही करेंगे, इसमें कोई दोषारोपण नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। तो ये भय कैसा है? ये हिचक कहां की है? और ये हिचक और भय सिर्फ जब नाम आते हैं माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की तभी क्यों उठती है?